कीवर्ड्स एसईओ में वो पहला बुनियादी स्टेप है जो एसईओ की बुनियाद बनता है, और अगर ये स्टेप गलत हो जाए इसके बाद सारी एसईओ गलत हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और उसको हम कैसे रिसर्च करते हैं। तो स्टूडेंट, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो आप कुछ ना कुछ लिख के सर्च करते हैं, और वो जो वर्ड्स आप लिखते हैं असल में उन्हीं वर्ड्स को कीवर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड्स कोई एक डिफरेंट टर्म नहीं है, ये टर्म सिर्फ एसईओ के लिए यूज़ की जाती है। आसान लफ्ज़ों में कीवर्ड्स वही अल्फाज हैं जो गूगल में लिख के सर्च किए जाते हैं। तो कीवर्ड्स की असल में जो बुनियाद है वो इस तरह से पड़ी कि चूँकि ये वर्ड्स किसी ना किसी तरह से गूगल के डेटाबेस में जाकर कोई ना कोई सर्च लेकर आते हैं, तो इन लफ्ज़ों को की का नाम दिया गया। मतलब कि ये वो चाबी है जो आपके किसी डेटाबेस में जाके एक ताला खोलती है और वो आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आती है। तो इसको कॉम्प्लिकेट करने की बजाय आसान लफ्ज़ों में इसको हम वर्ड्स भी कह सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स अमूमन एसईओ में यूज़ होता है। इस कीवर्ड्स को एक और तरीके से भी लोग पहचानते हैं, वो है सर्च क्यूरीज। क्यूरीज मतलब के सवालात, वो सवालात जो आप गूगल सर्च में डालते हैं और सर्च करते हैं वो सर्च क्यूरीज कहलाता है, या सिंपल फॉर्म में उसको आप क्यूरीज भी कह सकते हैं। तो कीवर्ड्स, सर्च क्यूरीज या वर्ड्स, ये सब एक ही चीज़ों के मुख्तलिफ नाम हैं और इनको आप किसी भी तरह से पहचान सकते हैं। हम इस कोर्स में इसको कीवर्ड्स ही बोलेंगे ताकि आपको आसानी रहे इसको समझने में। सो गूगल ये वर्ड्स कैसे रिटेन करता है? गूगल हर मुल्क में एक डिफरेंट वर्जन चलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में गूगल का वर्जन google.com.pk है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जब भी आप google.com किसी भी मुल्क से सर्च करते हैं, गूगल आपको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करता है उस कंट्री की डोमेन पर, और उस कंट्री की डोमेन पर जाके जब भी आप कोई सर्च क्यूरीज करते हैं वो सर्च क्यूरीज का डेटाबेस गूगल के पास मेंटेन्ड होता है। अब ये गूगल ये डेटाबेस लोगों को सप्लाई कर सकता है बाद में कि आप इसको रिसर्च कर लें और रिसर्च करके अपनी वेबसाइट बेहतर कर लें। ये वो डेटा है जो हमें एसईओ करने में मदद देता है, और ये वही डेटा है जो एक्चुअली एसईओ प्रोफेशनल्स को हेल्प करता है कि अपनी वेबसाइट पे वो क्या डालेंगे, किस तरह से डालेंगे और कैसे वो आप गूगल के ऊपर बेहतर तरीके से आ सकते हैं। कीवर्ड्स की अहमियत क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि कीवर्ड्स सबसे अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि अगर ये बुनियादी स्टेप गलत हो गया तो इसके बाद सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। इसकी अहमियत ये है कि जब आप कोई सर्च करते हैं तो आप यकीनन किसी नीड या वांट के तहत सर्च करते हैं। ये नीड या वांट हमने पहले जिक्र किया, जिसको आप इंटेंट भी कहते हैं। जब कस्टमर कोई चीज़ सर्च करता है वो एक सोच के साथ आता है, वो एक चीज़ चाहता है कि वो उसको मिल जाए, और वो चाहत हमने आइडेंटिफाई करनी होती है। और अगर हमें ये पता चल जाए कि वो क्या चाह रहा है तो हम उसको अपने बिजनेस के साथ लिंक करके हम प्रॉपरली अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और यही वजह है कि एसईओ इतनी सक्सेसफुल है, क्योंकि इससे हमें काफ़ी बेनिफिट हो सकता है कि जो लोग चाह रहे हैं उनको वो मिल जाए। और ये आइडियल सिनेरियो होता है कि वो हो सकता है कि अगर उनको वो मिल जाए जो वो ढूंढ रहे हैं तो वो वहाँ से सेल भी करके जाएं। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर मोबाइल फ़ोन चाहिए तो आप गूगल पे क्या सर्च करेंगे? आप गूगल पे जाएंगे और जाके लिखेंगे मोबाइल फ़ोन्स। तो ये मोबाइल फ़ोन्स बेसिकली एक कीवर्ड के तौर पे गूगल के डेटाबेस में सेव हो गया, और गूगल को ये पता है कि पाकिस्तान में आज उस्मान ने या आपने एक दफ़ा मोबाइल फ़ोन सर्च किया। अब हमें यह पता है कि गूगल हर जगह से एक्सेस हो रहा है और बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहे हैं। सो ये गूगल का ये डेटाबेस ये चीज़ों की गिनती करके रखता है कि कौन सा वर्ड किस मुल्क से कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है। तो इसी को कीवर्ड कहते हैं, जो बाद में रिसर्च हो सकती है, और हम इन चीज़ों के बारे में इसी अगले टॉपिक्स में बात करेंगे। सो एक वर्ड था मोबाइल फोन्स। इसी के साथ अगर आप लिखें मोबाइल फोन्स इन लाहौर, या मोबाइल फोन्स विद चीप प्राइसेस, या लेटेस्ट मोबाइल फोन्स, या मोबाइल फोन्स अंडर 20,000, ये सारे वो वर्ड्स हैं या वो क्यूरीज हैं जो आप गूगल में जाके सर्च करेंगे और आप अपना रिजल्ट निकालना चाहेंगे। ये सब वर्ड्स हमारे लिए, यानी कि एसईओस के लिए, एसईओ प्रोफेशनल्स के लिए, ये वर्ड्स बेसिकली कीवर्ड्स कहलाते हैं। और इसी को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ये कीवर्ड्स कैसे रिसर्च किए जाते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं।